बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप लोगों के सामने दोस्तों यूट्यूब ओपन है और मैं इसके सर्च बॉक्स में एक चीज़ सर्च करता हूँ जो कि है कार्टून टाइप है, ओगी कार्टून। तो यहाँ पर देख लिया आप लोगों के सामने, एक दिन पहले अपलोड की गई है जी, 1,16,000 व्यूज़ है। उसके बाद जी 13 दिन पहले अपलोड की गई है, 3,70,000 व्यूज़ है। इसी तरह 2 साल पहले तो 24 मिलियन, इसी तरह नेक्स्ट है जी 35 मिलियन व्यूज़ हैं। इसी तरह जी आप लोगों के सामने हैं, यहाँ पर कुछ लाइव आते हैं तो कोई वैसे 676 के 6,76,000 व्यूज़ है, 4.1 मिलियन है जी 5 मंथ पहले। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास 2.1 मिलियन, उसके बाद जी 2,80,000 व्यूज़ हो गया द कॉकरोच। इसके बाद जी 5 मंथ पहले 6.7 मिलियन, उसके बाद है जी 9,79,000 13 मिलियन व्यूज़ हैं। उसके बाद जी 8.9 मिलियन हैं। इसी तरह की मैं आज आप लोगों को वीडियो क्रिएशन करना बताऊंगा कि जस्ट आप लोगों ने इन वीडियोज़ को डाउनलोड करना है, वीडियोज़ को डाउनलोड कैसे करना है और फिर आप लोगों ने इनके अंदर एडिटिंग कैसे करनी है, वो सारा मेथड मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर ही गाइड करूँगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने सर्च बॉक्स में आकर क्या सर्च करना है, ओगी कार्टून तो आप लोगों ने सर्च कर लेना है, लेकिन ये ऊपर आप लोगों को 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इन 3 डॉट्स के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, फिल्टर्स लगा देना है। फिल्टर्स के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करके यहाँ पर नीचे क्रिएटिव कॉमन्स इसका ऑप्शन है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करके आप लोगों ने अप्लाई कर देना है। अब आप लोगों के सामने वो वीडियोस आएंगी जो कि हर बंदा यूज़ कर सकता है, इनका लाइसेंस अथॉरिटी होती है और ये हर कोई बंदा इस्तेमाल कर सकता है। देख ले 7 मिलियन व्यूज़ है। उसके बाद ये 1,64,000 आप लोग देख लेंगे कितने व्यूज़ हैं, 10 मिलियन व्यूज़ हैं जी, 12 मिलियन हैं, 3.8 मिलियन हैं, 6.8 मिलियन हैं, 6.9 मिलियन, यानी कि मिलियंस के अंदर ही व्यूज़ इन लोगों की आ रहे हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने कोई भी एक वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। अब चलते हैं जी किसके ऊपर, हमारी एडिटिंग मास्टर के जी, आप लोगों ने इनकी एडिटिंग कैसे करनी है और उन एडिटिंग करके आप लोगों ने वीडियोज़ को कैसे सेव करना है। और यहाँ पर एंड पर आप लोगों को एक टिप भी दे के जाऊँगा कि आप लोगों ने टैग टाइटल और डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। तो चलते हैं जी काइन मास्टर की। तो दोस्तों काइन मास्टर को कर लिया जी ओपन, यहाँ पर आप लोगों ने आकर अपना यूट्यूब का जो साइज़ है वो सिलेक्ट कर लिया, सोलरेशन हो, यहाँ पर मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने इमेज एसेट पर क्लिक करके एक अच्छा सा बैकग्राउंड ले लेना है। उस बैकग्राउंड को आप लोगों ने 1 मिनट के नज़दीक या फिर 2 मिनट, 2-2.5 मिनट की आप लोगों ने वैसे वीडियो बनानी है तो उसको मैंने ले लिया जी। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है जी, यहाँ पर लेयर के ऊपर क्लिक करना, मीडिया के ऊपर क्लिक करना और जो हमने वहाँ से डाउनलोड की थी उसको आप लोगों ने यहाँ पर रख लेना है उस वीडियो को। तो यहाँ पर देख ले वो वीडियो मेरे सामने आ चुकी है, मैं उसका बकिया इसे यहाँ से क्या करता हूँ जी, ट्रिम कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, जितना मुझे चाहिए बस मुझे उतना ही चाहिए। अब देख ले इसका साइज़ हमारे साइज़ के मुताबिक क्लियर नहीं हो रहा, तो आप लोगों ने क्या जी सिंपल वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे आकर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा किसका जी, यहाँ पर ऊपर चला गया स्प्लिट स्क्रीन के ऊपर, ऑफ़ के सामने एक वाइट बॉक्स है उसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारी वीडियो और ज़्यादा हो चुकी है, हमारा साइज़ बिल्कुल फिक्स क्लियर हो चुका है और आप लोग मज़ीद इसे थोड़ा सा और जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने यहाँ से कर लेना है। उसके बाद जी हमारे पास क्या है नेक्स्ट, इनका क्या प्रोसीजर है, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए है कि इतनी वीडियो मैंने ली है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है जी, इसकी इनकी जो वीडियो का साउंड है उसको आप लोगों ने बिल्कुल ही बंद कर देना है, बिल्कुल बंद करके यहाँ पर आप लोगों ने नो कॉपीराइट एक बैकग्राउंड म्यूज़िक भी लगाना है, वो आप लोग चाहें तो यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग यूट्यूब की लाइब्रेरी से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से भी यहाँ पर लगा देना। तो मैं जिसका साइज़ भी इसके मुताबिक कर देता हूँ और इसके ऊपर मैं क्लिक करके इसका जो मिक्सर का साउंड है वो तकरीबन मैं 20 तक कर देता हूँ आप लोगों के सामने। तो यहाँ तक कर दिया जी। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है जी, लेयर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर मीडिया के ऊपर जाकर आप लोगों ने कोई भी अपना लोगो लगा सकते हैं चैनल का और ना आप लोग यहाँ पर अपने चैनल का नेम भी लिख सकते हैं जितनी आप लोगों की वीडियो है। तो मैं यहाँ पर अपने चैनल का नेम लिख देता हूँ याकूब का वीडियो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आप लोगों को डेली बेसिस पर न्यू आइडियाज़ मिलते रहेंगे यूट्यूब कॉन्टैक्ट के रिलेटेड। तो यहाँ पर इसकी भी लेंथ आप लोगों ने उतनी ही कर देनी है जितनी आप लोगों की वीडियो है। ठीक है, तो ये भी हो चुका है जी। अब हमारा नेक्स्ट कॉपीराइट म्यूज़िक भी लग चुका है और नेक्स्ट अब हमारा क्या काम रहता है जी, बस यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है। वॉइस ओवर अगर आप लोग करना चाहे तो कर दें, उसके बाद आप लोगों ने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है जी एडजस्टमेंट का, यहाँ से आप लोगों ने इनकी ब्राइटनेस वगैरह को कुछ लो कुछ ज़्यादा आप लोगों ने कर देना है, कुछ छेड़छाड़ी आप लोगों ने यहाँ से लाजमी करनी है, जैसे कि कंट्रास्ट को मैंने कर दिया, उसके बाद जी सेचुरेशन आप लोगों की क्या होनी चाहिए वो भी आप लोगों ने यहाँ से कर देनी है, तो मैं भी थोड़ी बहुत कर दी है। उसके बाद जी वाइब्रेशन आप लोगों की वाइब्रेंस, यहाँ पर आप लोग देख लेंगे वीडियो और ही अच्छी बनती जा रही है जैसे ही इनकी एडजस्टमेंट मैं कर रहा हूँ।
नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है जी, एडजस्टमेंट करके यहाँ पर आप लोगों ने आकर इसको सेव कर देना है हाई क्वालिटी की अंदर, एचडी क्वालिटी के अंदर, ठीक है। इस तरह से आप लोगों का ये काम क्लियर हो चुका है। तो उसके बाद जी अब हमारे लिए क्या रहेगा, चूँकि जी लास्ट ट्रिक, कि जी लास्ट ट्रिक हमारी कौन सी है कि आप लोगों ने वहाँ से टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन कैसे लगाना है। तो आते हैं जी दोबारा यूट्यूब के ऊपर, और यहाँ पर आकर आप लोगों के सामने मैं सर्च बॉक्स के अंदर कुछ सर्च करने लगा हूँ, जैसा कि ओगी कार्टून। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी ओगी, जैसे ही ओगी लिखा तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरह से मेरे पास सामने टाइटल वगैरह आ चुके हैं। टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन ये वो है जो कि हर एक वीडियो के अंदर यूज़ होते हैं और हाई रैंकिंग पर हैं। इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इनको आप लोग अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन, उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन, वीडियो के टाइटल, वीडियो के टैग्स के अंदर लगा सकते हैं। मज़ीद अगर और लिखना चाहें तो आप लोग यहाँ पर कार्टून भी सर्च कर लें, तो यहाँ पर जी ओगी कार्टून के भी आ चुके हैं, आप लोग देख लें, सब कुछ आप लोगों के सामने आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक आज का हमारा सिलसिला था। मजीद ऐसे न्यू आइडियाज़ हासिल करने के लिए, न्यू चैनल कंटेंट हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन इंस्टॉल पर प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर न्यू आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ।